एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं एक और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आप अपने घर पे इजीली फेशियल कैसे कर सकते हैं। एंड आज मैं जो भी फेशियल यूज करूंगी उसका जो ब्रांड है वो काफी हर्बल एंड नेचुरल है, तो ऐसे कोई भी ब्रांड मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती जिससे आपकी स्किन पे कोई हार्म आए। सो मैं इस ब्रांड को बहुत टाइम से यूज कर रही हूँ एंड आपकी स्किन को कोई भी प्रॉब्लम नहीं देता है। सो इस फेशियल में वन बाई वन आपको जो भी स्टेप मैं बताऊंगी सो आपको उस तरीके से करना है जिससे आपकी फेशियल में काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एंड इसकी रिव्यू भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जिससे कि इस प्रोडक्ट के बारे में आपको कुछ डिटेल्स पता हो जाए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना एंड मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना जिससे मेरी आने वाली वीडियो की न्यू नोटिफिकेशन आपके पास नोटिफाइड होता रहेगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं जिस प्रोडक्ट के साथ फेशियल शेयर करने वाली हूँ वो है नेचर्स का फेशियल कोल, और ये काफी कम रेंज में आपको मिलता है। 250 में आपको मार्केट में भी मिल जाएगा, ऑनलाइन भी आप इसे परचेज कर सकते हो। सो पहले तो इसकी रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे, उसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि आपको कैसे इसको अप्लाई करना है। सो गाइज, ये है नेचर्स का एरोमाथेरेपी ब्यूटी सॉल्यूशन फेशियल किट एंड ये गोल्ड के साथ आता है। एंड इसमें आपको एक फेस वॉश भी फ्री में मिलता है इसके साथ, जो नेचर्स का आता है पपाया फेस वॉश, पिगमेंटेशन के लिए है। बट मैंने उसे यूज कर लिया था तो इस पैक में आपको नहीं मिलेगा। उसकी रिव्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगी, आप चाहो तो लिंक पे जाके चेकआउट कर लेना। सो ये पैकिंग आपको इस तरीके की मिलेगी, ये ब्राउन एंड गोल्ड कलर के कॉम्बिनेशन में कार्डबोर्ड टाइप की पैकिंग आपको मिलती है। एंड यहाँ पे आपको यहाँ मिनी गोल्ड किट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है एंड ये ग्लो देता है आपकी स्किन को। सो एरोमाथेरेपी ब्यूटी सॉल्यूशन के साथ है ये। नेचर्स के जो भी ब्रांड है ये हर्बल है एंड नेचुरल होते हैं, सो ये आपकी स्किन को हार्म नहीं करेगा। अब इसके बैक साइड में कुछ चीजें मेंशन है जो मैं आप लोग को एक एक करके बताती हूँ। तो यहाँ पे आपको यूज करना है 4 स्टेप फॉलो करने जो यहाँ मेंशन किया हुआ है, साइड डिटेल्स मेंशन की हुई है। सो यहाँ पे मेंशन है मिनी गोल्ड किट, जो यूज कैसे करना है यहाँ लिखा हुआ है। फर्स्ट में आपको करना है गोल्ड क्लींजिंग स्क्रब। ये क्रीम में काफी अच्छी प्रॉपर्टीज है गोल्ड स्पार्कल के साथ आपको मिलेगा। इसमें वॉलनट ग्रेन एंड एलोवेरा जूस के साथ काफी डीप क्लींजिंग करता है, आपकी स्किन पे काफी अच्छा इफेक्ट डालेगा। सो इसे स्क्रब करने के बाद आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसे यूज कैसे करना है, यूज के लिए आपको लिटिल क्वांटिटी लेनी है अपने फेस एंड नेक एरिया पे, आप अप्लाई कर सकते हो। 3 to 4 मिनट के लिए आपको रखना है, स्क्रबिंग करनी है, देन आप कॉटन या फिर वाटर से क्लीन कर सकते हो। सेकेंड स्टेप में आपको है कोल्ड मसाज क्रीम। सो इस क्रीम से आपकी स्किन काफ़ी अच्छा मेटालिक लुक देगा एंड ये आपकी स्किन को नरिश करके रखता है, डीप क्लींजिंग करता है। सो इसे अप्लाई करने के लिए आपको थोड़ी क्वांटिटी लेनी है अपने फेस एंड नेक एरिया पे, आप 8 to 10 मिनट के लिए रखोगे एंड देन आप कॉटन या फिर वाटर की हेल्प से क्लीन कर सकते हो। थर्ड स्टेप में गोल्ड नर्सिंग मसाज जेल है। ये ऑयली सेंसिटिव या फिर जिनकी स्किन नॉर्मल है सभी यूज कर सकते हैं। एंड इसे यूज करने के लिए आपको थोड़ी सी क्वांटिटी लेनी है अपने फेस पे, अप्लाई करना है, मसाज करना है 4 to 5 मिनट के लिए, क्लीन कर लेना है कॉटन की हेल्प से। एंड उसके बाद फोर्थ स्टेप है, फोर्थ स्टेप में पैक है। पैक को आप अपने फेस या नेक एरिया पे अप्लाई करोगे, अप्लाई करने के बाद थोड़ी देर के लिए आपको ड्राई करने के लिए छोड़ना है 4 मिनट के लिए, देन उसके बाद आपको क्लीन करना है। आप डायरेक्ट वाटर से क्लीन कर सकते हो या फिर वेट टॉवल की हेल्प से आप उसको रब करते हुए क्लीन करोगे। सो गाइस, अब मैं अंदर की पैकिंग की आपको दिखा रही हूँ। तो पैकिंग आपको प्लास्टिक के इस तरीके का मिलता है, इसमें आपको 4 ट्यूब मिलेंगे, जो 4 स्टेप यहाँ पे दिए हुए उस तरीके से आपको फॉलो करना है 1 by 1। सो फर्स्ट जो है ये ट्यूब, ये स्क्रबिंग का है। कलर आप देख सकते हो गोल्ड कलर में है एंड इस पर आपको सारी डिटेल्स यहाँ भी मेंशन की हुई है बैक साइड में। सो चलिए मैं आप लोग को इसका टेक्सचर एंड इसका कलर दिखा देती हूँ। तो कलर में ये इस तरीके का आपको हल्का हल्का छोटा सा गोल्ड स्पार्कल के साथ मिलता है एंड ये काफ़ी क्रीमी फॉर्म में है। सो गाइस, इसे अप्लाई करने में आपकी स्किन जो है हार्श नहीं करेगी क्योंकि बहुत छोटे छोटे इसमें स्पार्कल्स होते हैं गोल्ड के। एंड इसको अप्लाई करने से क्लीन होता है, आप डीप क्लीन बोलोगे तो ये थोड़े से छोटे वाले जाने, तो आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आपके लिए भी ये सूटेबल है। सो सेकेंड जो है ये है मसाज क्रीम। सो इसे अप्लाई करके आपको रखना होता है 8 to 10 मिनट के लिए, ये काफ़ी ज़्यादा टाइम के लिए आपको मसाज करने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पे। तो इसका कलर भी आप देख सकते हो हल्का सा जेल फॉर्म में आपको मिलेगा एंड बहुत ही स्मूथ टेक्सचर के साथ आपको मिलता है। सो कलर आप देख सकते हो हल्का सा गोल्ड में है, काफ़ी ज़्यादा शाइन करेगा आपकी स्किन। से थर्ड जो है वो है नर्सिंग मसाज जेल। सो इसे भी आपको अप्लाई करके थोड़ा सा मसाज करना होता है, इसमें आपको 4 to 5 मिनट के लिए मसाज करना होता है। सो ये काफ़ी अच्छे से जेल फॉर्म में, एलोवेरा के जो जेल आते हैं उसी तरीके का ये टेक्सचर है।
एंड गाइज इसे अप्लाई करने से स्किन काफ़ी अच्छे से मॉइस्चराइज भी रहता है। सो मैंने अपने हैंड पे अप्लाई किया, जहाँ पे मैं कर रही हूँ वहाँ पे आप देख सकते हो ये क्लीन करते जा रहा है उस एरिया को, तो काफ़ी अच्छा है, आप इसको जरूर ट्राई करना। सो इसके बाद जो स्टेप है वो है स्टेप 4। तो स्टेप 4 में आपको ये ट्यूब है, ये फेस पैक है, और फेस पैक का जो टेक्सचर होता है गाइस वो का हार्ड होता है। तो इसे अप्लाई करने के लिए आपको अपने फेस एंड नेक के लिए आप अप्लाई करना होता है, उसके बाद आप कुछ टाइम के लिए उसे ड्राई होने के लिए छोड़ दोगे एंड देन उसके बाद आप क्लीन करोगे। सो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि आपको अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले आप वेट टाइल की हेल्प से अपने फेस को क्लीन करोगे। फेस क्लीन करने के लिए मैंने जो टाइल लिया था उसको मैंने वार्म वाटर में डिप करके अपने फेस पे अप्लाई किया। उसके बाद मैं फर्स्ट स्टेप कर रही हूँ। फर्स्ट स्टेप में मैं यहाँ पे स्क्रबिंग करूंगी। इसके लिए आपको थोड़ी सी क्वांटिटी लेनी है अपने फेस एंड नेक के लिए, आप अप्लाई कर सकते हो। फेस के साथ साथ आप नेक एरिया की भी क्लीनिंग करोगे, जिससे कि आपके फेस एंड नेक में डिफरेंस नजर नहीं आता है। सो मैं यहाँ पे उसी तरीके से करूंगी। स्क्रबिंग आपको 3 से 4 मिनट के लिए करना है, काफ़ी जेंटल हैंड से करना है, जिससे कि आपकी स्किन जो है हार्म ना हो। एंड उसके बाद आप कोई भी क्लीन टॉल उसको हल्का सा वेट कर लो एंड उसके बाद आप उसको क्लीन करोगे। आप चाहो तो कॉटन भी यूज़ कर सकते हो। देन सेकेंड स्टेप में आपको मसाज क्रीम लेना है। मसाज क्रीम की भी आपको थोड़ी सी क्वांटिटी चाहिए। इसे भी आप फेस एंड नेक के लिए आप अप्लाई करोगे एंड इसके बाद आपको 8 से 10 मिनट के लिए मसाज करना है। सो मसाज करने में आपको थोड़ा सा टाइम देना होगा, और अगर आप फ्री हो तो उसी टाइम आप घर पे फेशियल करो, क्योंकि फेशियल में आपको काफ़ी टाइम लगता है। सो मैं फेस एंड नेक पे अप्लाई करूंगी। मसाज करने के कुछ स्टेप्स होते हैं जो मैं हल्का सा आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जिससे आपकी स्किन काफ़ी अच्छे से मसाज भी होता है एंड आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है फेशियल का। सो आपको फोरहेड पे इस तरीके से फिंगर की हेल्प से मसाज करना है। अपने चीक एरिया पे आपको अपवर्ड डायरेक्शन में मसाज करना होता है, जिससे कि आपका फेस जो है वो टाइट रहता है एंड लो नहीं होता है। सो आप दोनों साइड इस तरीके से करोगे एंड उसके बाद अपने आई के और नीचे अंडर आई के पास आपको हल्का हल्का फिंगर से इस तरीके से करना है। आप चाहो तो ये वाले स्टेप फॉलो कर सकते हो, या फिर अगर आपको अच्छा सा कोई स्टेप आता है तो आप वो जरूर ट्राई करो। सो मैं इसे अब क्लीन करूंगी एक वेट टॉवल की हेल्प से। सो ये आप देख सकते हो काफ़ी क्लीन हो चुका है। सो अब थर्ड स्टेप मैं फॉलो करूंगी, उसके लिए मैं यहाँ पे मसाज जेल का यूज़ करूंगी। सो थर्ड स्टेप में आपको थोड़ी सी क्वांटिटी लेनी है अपने फेस एंड नेक के लिए, आप सेम आपको अप्लाई कर लेना है एंड इसमें आपको मसाज फिर से करना है, वही स्टेप फॉलो करने हैं, बट यहाँ पे आपको टाइम 3 से 4 मिनट के लिए आपको देना है। एंड गाइस यहाँ प्लीज़ आप फेशियल करने के टाइम ना आपको जो स्टेप फॉलो करने के लिए बोला जाता है वही स्टेप आप फॉलो करो, आपको पूरा टाइम देना होता है, तभी आपको अच्छा सा रिजल्ट मिलेगा। सो उसके बाद मैं वेट टॉवल की हेल्प से वाइप अप कर लूँगी। आपका फेस जो है काफ़ी क्लीन हो जाता है, ब्लैक हेड्स की जो प्रॉब्लम है वो बहुत हद तक दूर हो जाती है इस तरीके से। सो इसके बाद मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगी फेस पैक। फेस पैक काफ़ी थिक होता है, इसे पहले अप्लाई कर लो पूरे फेस एंड नेक एरिया पर एंड उसके बाद थोड़े देर के लिए आपको ड्राई करना होता है। ड्राई करके उसके बाद आप हल्का हल्का मसाज करोगे, तो पहले फेस एंड नेक पे आपको अप्लाई कर लेना है जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, सेम आपको उसी तरीके से अप्लाई करना है। अपने आई एरिया को आपको अवॉइड करना है, क्योंकि इसमें इरिटेशन हो सकता है बहुत सारे लोगों को। सो इस तरीके से आप अप्लाई करो। देन आप देख सकते हो मैंने अप्लाई कर लिया है, अब मैं इसको ड्राई होने के लिए छोड़ूंगी। सो गाइज़ मेरा जो स्किन है वो अब ड्राई हो चुका है काफ़ी अच्छे से। तो अब आपको डायरेक्ट चाहो तो वाटर से कर सकते हो, बट अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, अपने हैंड को ना थोड़ा सा भिंगा लूंगी, उसके बाद आप मसाज करोगे। इससे आपकी स्किन जो है वो काफ़ी अच्छे से क्लीन होती है इस फेक पैस के साथ, क्लीननेस आ जाएगा आपकी स्किन पे। सो मैं इस तरीके से अपने फेस पैक के जो भी डॉट्स वगैरह हैं उससे रिमूव कर लूँगी एंड देन मैं स्टाइल की हेल्प से क्लीन कर रही हूँ। आप चाहो तो डायरेक्ट वाटर से क्लीन कर सकते हो। सो मैं इस तरीके से पहले क्लीन कर लूँगी, उसके बाद अपने फेस को वॉश करूँगी। सो गाइज मैंने क्लीन कर लिया है, अब मैं इसको फेस को वॉश करूंगी। वॉश करने के बाद आप देख सकते हो फ्रेंड्स मैंने अपने फेस को क्लीन कर लिया है एंड आप देख सकते हो मेरे फेस की ज्यादा क्लियर हो गई है, मेरी स्किन क्लियर हो गई है एंड आपकी फेस जो है काफी ज्यादा स्मूथ लगेगा, बहुत ज्यादा क्लियर हो जाता है और जो ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स होते हैं वो भी क्लीन हो जाएंगे, तो काफी सॉफ्ट सा आपको फील होता है। इस तरीके से फेशियल कर सकते हो, बहुत ही इजी स्टेप है एंड आप देख सकते हो कितनी क्लियर हो जाती है आपकी स्किन। सो आप इस तरीके से ट्राई करो एंड उसके बाद मैं इस पे थोड़ा सा टोनर अप्लाई करूंगी। सो मैं यहाँ पे जो टोनर ले रही हूँ वो गुड वाइब्स का रोज टोनर है, तो आपको इस तरीके से कोई भी टोनर अपने फेस पे अप्लाई कर लेना है एंड हल्का सा डैब करते हुए। सो ये आप
इस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। कि स्किन काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी एंड काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है। सो अब फेस को मॉइस्चराइज करने के लिए मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ एल्प्स गुडनेस का ऑरेंज जेल, काफ़ी थिक फॉर्म में आता है, काफ़ी अच्छा टेक्सचर है इसका एंड आपकी स्किन को काफ़ी अच्छे से मॉइस्चराइज करके रखेगा। सो मैंने अप्लाई कर लिया एंड गाइस आप देख सकते हो मेरी स्किन का ग्लो, जो हाईलाइटर आप अप्लाई करते हो उसी आपको तरीके ये का वीडियो ये अच्छी ग्लो लगी देता होगी। है। अच्छा तो वीडियो को लाइक कर देना, चलिए मिलते हैं किसी स्टेप की नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए।